हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, तीन चार क्वेश्चंस देखेंगे जो कि यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, या फिर जो एच टेट की वैकेंसीज आ रही है उनकी तरफ से, मतलब जो भी क्वेश्चंस है उनमें से दो चार क्वेश्चंस को उठाया मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे जो आयोटा है सभी को पता है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को दिख रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग करनी है हमारे पास, हमें पता होता है कि कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स इज इक्वल टू टू द पावर माइनस आयोटा एक्स के बराबर होता है। ठीक है ना, जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस होता है, और यहाँ प्लस होता है तो ये वाली चीज प्लस होती है। यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन का कोड है, क्वेश्चन में यहाँ पे जो आयोटा है वो साइन के साथ दे रखा है, मतलब हमें आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा आयोटा कॉस एक्स माइनस आयोटा, और एक तो आयोटा है और एक आयोटा और करेंगे मल्टीप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स हो गया। फिर आयोटा स्क्वायर है, तो अभी मैंने बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 है, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1 के बराबर। जब आयोटा स्क्वायर के बराबर माइनस 1 रखेंगे दैट मीन्स यहाँ पे प्लस का निशान हो जाएगा, तो हम इसे कर देते हैं प्लस का। ठीक है, यहां हो गया प्लस का निशान, साइन को आगे ले आते हैं, कॉस को पीछे लिख देते हैं। साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स इज इक्वल टू आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, जैसा हमें चाहिए था क्वेश्चन में वही है, लेकिन हमें पावर 4 और चाहिए, तो दोनों तरफ हम पावर 4 कर देते हैं। यहां पावर 4 हो गया और यहां भी पावर 4 हो गया, यही चाहिए था, इसका रियल पार्ट पूछा हुआ है। तो जो 4 है एक बार आयोटा की हो जाएगी और एक बार इसके पावर चढ़ जाएगी। ठीक है, आयोटा द पावर 4 इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा 4 एक्स। ठीक है, और आयोटा द पावर 4 हमारे पास क्या होता है, सबको पता है, वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये हमारे पास हो गया ई टू द पावर माइनस आयोटा 4 एक्स। जैसे हमने यहां से यहां आए थे, इसी प्रकार हम यहां से वापिस यहां, जो यहाँ पे एंगल होता है वही एंगल साइन का और कॉस का होता है, इसी प्रकार यहाँ 4x है तो हम 4x लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में कॉस 4x माइनस का साइन है तो बीच में माइनस माइनस आयोटा आयोटा साइन 4x। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास इसी के बराबर दे रखी है, साइन x प्लस आयोटा कॉस x टू द पावर 4। ठीक है, ये दोनों चीज आपस में बराबर दे रखी है, जो इसका रियल पार्ट होगा वही इसका रियल पार्ट होगा। अब हमें पूछा हुआ है इसका रियल पार्ट, तो यहां से हमारे पास जो रियल पार्ट आया वो क्या आया है, कॉस 4x। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा इफ xn इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 टू द पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर n, और यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, आप लोगों को दिख रहा होगा पूरी स्टेटमेंट। फिर है x1 x2 x3 इन सबका प्रोडक्ट करना है अप टू कहां तक, इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है, तो ये हमारे पास एच टेट पीजीटी का क्वेश्चन है जो की 2022 के अंदर ही आया हुआ था। फिर ऑप्शंस दे रखे हैं, चलिए अब करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि x1 क्या है, x2 क्या है, ये सब चीज हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें xn दे रखा है, उसको देख लेते हैं क्या है। xn इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 टू द पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर n। अभी हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या था, हमारे पास कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स वो ई टू द पावर आयोटा एक्स, यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस की पावर में, अब यहाँ पे प्लस है तो सिंपल ई टू द पावर एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा एक्स क्या है, ये वाली चीज है पाई अपॉन 2 टू द पावर एन। ठीक है, तो यहां से जस्ट हमें अब ये चीज को भूल जाना है, तो एक्स एन इज इक्वल टू दिस, एक्स एन इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 2 टू द पावर एन। ठीक है, अब हमारा काम काफी सिंपल हो गया, क्या करना है, एन की वैल्यू 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा x1 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 रखेंगे ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, एंड x2 रखेंगे ई टू द पावर आयोटा पाई, यहाँ 2 हो जाएगा तो 2 टू द पावर 2, एंड x3 रखेंगे तो ई टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 2 टू द पावर 3। इसी प्रकार हम इनफाइनाइट टर्म तक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इनफाइनाइट से ज्यादा लेना देना नहीं है कुछ भी। अब क्या करना है, इन सबके हमें प्रोडक्ट कर देनी है, x1 x2 x3 इज इक्वल टू ये एंड सो ऑन तक चलना है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे
पावर आयोटा पाई बाय टू डॉट ई टू द पावर आयोटा पाई बाय टू टू द पावर टू हो जाएगा। इसी प्रकार ई टू द पावर आयोटा पाई टू टू द पावर थ्री, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट चलेगा। अब हमने टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास सब में पढ़ा हुआ है छोटे बच्चे से तभी से कि जब हमारे पास बेस सेम होता है तो जो पावर स्टडी हुई होती है वो एड हो जाती है, ठीक है। तो इस सबका बेस ई है, हमारे पास हो जाएगा ई आयोटा पाई बाय टू प्लस आयोटा पाई बाय टू का स्क्वेयर प्लस आयोटा पाई बाय टू टू द पावर थ्री प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास आयोटा पाई सबके अंदर है तो कॉमन ले सकते हैं इजीली, ई टू द पावर आयोटा पाई कॉमन आया, यहाँ क्या बचा वन बाय टू, यहाँ क्या बचेगा वन बाय टू का स्क्वेयर प्लस वन बाय टू टू द पावर थ्री प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अब खेल किस चीज का है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है जो वन बाय टू प्लस वन बाय टू का स्क्वेयर प्लस वन बाय टू टू द पावर थ्री अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जीपी बन गई है, ठीक है। तो जीपी जिसके अंदर आर है, आर इज इक्वल टू वन बाय टू है, और आर कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, सेकेंड वाली टर्म को जब फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड करते हैं तो आर के बराबर हो जाती है। जैसे हम वन अपॉन टू टू द पावर टू तो वन बाय फोर हो जाता है, और इसको डिवाइड करना है वन बाय टू से, तो वन बाय टू से डिवाइड करेंगे तो ये वन बाय फोर इंटू टू बाई वन दैट मीन्स टू, तो ये हमारे पास वन बाय टू, आर की वैल्यू वन बाय टू। जब कोई हमारे पास जीपी है वो इनफाइनाइट टर्म्स की होती है और जो आर है वो वन से छोटी है, वन बाय टू आर आ रही है वो वन से छोटी है, दैट मीन्स हमारे पास जो एस एन का फॉर्मूला होता है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं ऊपर से, जो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारे पास सीरीज इनफाइनाइट होती है और आर की वैल्यू वन बाई मतलब वन से छोटी होती है, ठीक है। और इनफाइनाइट सीरीज के अंदर जब आर वन से बड़ी हो जाती है जो एस एन है वो डायरेक्ट इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास रिवर्स दूसरा वाला केस है, आर वन से छोटी है तो ए वन हमारे पास क्या है वन बाय टू, और यहां आर की वैल्यू भी वन बाय टू, वन माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू अपॉन, ये वन में से वन बाय टू हटेंगे तो वन बाय टू ये वन के बराबर आ गया। जो एस एन है दैट मीन्स जो ये वाली टर्म है टोटल ये सिंपली क्या आ गया वन के बराबर हो चुकी है। अब यहां से ई टू द पावर आई पाई बचेगा, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ये जो सब चीज का मल्टीप्लाई है एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री अप टू इनफाइनाइट तक, ये ई टू द पावर आयोटा पाई हो गया। और ई टू द पावर आयोटा पाई हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, जैसे हमने स्टार्टिंग में चेंज किया था अब वापस यहां से यहां पे आ जाएंगे। साइन पाई क्या होती है जीरो हो जाता है और कॉस पाई क्या हो जाता है माइनस वन, तो हमारे पास इसका क्या आंसर है माइनस वन आंसर है। आप लोग अपने उधर क्वेश्चन में देख सकते हो कि जो ऑप्शन है इसका, इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड है वो करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये यूपी टीजीटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू कॉस पाई अपॉन फाइव देन एक्स टू द पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव क्या आने वाला है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं माइनस टू जीरो वन एंड फाइव, ठीक है। तो हमें इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है कि जैसे हमने जो हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a दे रखी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर फाइव हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसे हम इसी प्रकार से इजीली कर पाएंगे, अगर वैसे करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू कॉस पाई अपॉन फाइव, ठीक है। तो ये दे रखा है, फिर अब हम क्या करेंगे पहले x को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ वन हो जाएगा, ये टू कॉस पाई बाई फाइव ये x हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस पाई बाई फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है x की टर्म में, ठीक है। ये हमारे पास b है, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये दूसरी तरफ आया तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास माइनस हो गया, ए हमारे पास वन है और जो बी वाली टर्म है माइनस टू कॉस पाई बाई फाइव एंड सी हमारे पास वन है, तो इसको हम एक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए,
ये फॉर्मूला आप लोग को सबको पता है, तो सॉल्व करेंगे एक्स के बराबर क्या आने वाला है, यहां से देख लेते हैं। तो माइनस फॉर्मूले में है और माइनस यहां पे पहले ही लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू कॉस पाई अपॉन फाइव एक्स प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर करनी है, ठीक है, तो फोर कॉस स्क्वायर पाई बाय फाइव माइनस फोर, ए हमारे पास वन है, सी हमारे पास वन है, तो फोर ही हो जाएगा, अपॉन में टू ए, ठीक है। अब यहां से हम फोर को कॉमन ले लेंगे और फोर अंडर रूट के बाहर आएगा तो टू बन जाएगा, ठीक है, ये आयोटा भी नहीं है, सॉरी वो फॉर्मूले के अंदर नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में आयोटा आने वाला है इसलिए मेरे से गलती से लिखी गया इधर, तो टू कॉस पाई बाय फाइव एक्स प्लस माइनस, ये फोर में से बाहर आएगा तो टू हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर पाई बाय फाइव माइनस वन बाय टू, ठीक है, यहां भी टू है, यहां भी टू है, यहां भी टू है, यहां से दोनों में से टू कॉमन आएगा, मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया है, ऊपर से मैं हटा दे रहा हूं इसको, ठीक है, तो इतना हो चुका है हमारे पास। अब हमें क्या पता है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन के बराबर होता है, ठीक है, तो वन हमारे पास इधर आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि हमें देखो यहां पे चाहिए कॉस स्क्वायर पाई बाय फाइव माइनस वन, एक्स की जगह पाई बाय फाइव है, ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस के बराबर हो जाएगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय फाइव एक्स प्लस माइनस, तो यहां पे अंडर रूट के अंदर माइनस का हो जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया माइनस का साइन है, तो जब अंडर रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो आयोटा में बन के निकलेगा, ठीक है, आयोटा आ जाएगा कॉस पाई बाय फाइव एक्स प्लस माइनस आयोटा, और साइन हो जाएगा यहां पे साइन एक्स हमारे पास क्या है, ये पाई बाय फाइव है, सॉरी मैंने यहां पे एक्स ही लिख दिया है, ये पाई बाय फाइव, पाई बाय फाइव हो गया, ठीक है। अब वापिस से इन सबको हटा दे रहा हूं, इनका कुछ अब काम नहीं रहा है, एक्स हमारे पास ये हो गया है। अब जैसा ही मैंने अभी इससे पहले वाले दो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें भी हमने यूलर फॉर्मूले का यूज किया था कि कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये एक्स नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास में है तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाता, ई टू द पावर आयोटा एक्स, एक्स की जगह पाई बाई फाइव दे रखा है, अब यहां प्लस और माइनस दोनों साइन है तो हम प्लस माइनस दोनों साइन ही लिख देंगे, ठीक है, तो एक्स के बराबर हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अब हमें एक्स की पावर फाइव की वैल्यू निकालनी है, एक्स की पावर फाइव तो पांच पावर इधर भी करेंगे, ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा पांच पावर करेंगे तो नीचे वाला पांच कट जाएगा, ठीक है, तो यहां से हमारे पास में जो ये आने वाला है ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस माइनस आयोटा साइन पाई, ठीक है, ये हो चुका है हमारे पास में। और वैसे तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है लेकिन हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता है, यहीं पे एक्स की पावर फाइव करनी होती तो डायरेक्ट वो एंगल को मल्टीप्लाई हो जाता है फाइव और हम पांच से पांच काट के, फिर भी यही फॉर्म बनने वाली थी डायरेक्ट, तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट बताया है कि इसको इस टाइप से खोलो फिर यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, तो आप लोग इजीली डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो साइन पाई जीरो ही होने वाला है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस वन के बराबर, दैट मीन्स एक्स के बराबर क्या आ गया है, माइनस वन। अब रहा क्या, कुछ भी नहीं रहा, इतना इजी बन गया। अब हमें निकालना क्या, ये सॉरी एक्स की पावर फाइव है जो वो माइनस वन के बराबर है, ठीक है, तो वन अपॉन एक्स की पावर फाइव भी करेंगे, दैट मीन्स इसका अपॉन करेंगे वन अपॉन माइनस वन, ये भी माइनस वन के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना था, एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव, तो ये माइनस वन और ये भी हमारे पास माइनस वन बराबर माइनस टू, ठीक है। अब आप लोगों को कॉर्नर पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि जो एक्स टू पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर फाइव है उसकी वैल्यू माइनस टू के इक्वल है, जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे लिख देता हूं, जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार के और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीफील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।